नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और मैं हूं आपके साथ साहेब अली। अब मुस्कुराइए और मछली के जो शौकीन लोग हैं वो जमकर मछली खाइए। हम इसलिए ऐसा कह रहे हैं क्योंकि नीतीश कुमार ने मुख्य सचिव को ये निर्देश दिया है कि वो मछलियों पर जो बैन लगा है उसको हटा ले। इस खबर के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको लेनी जरूरी है कि बिहार सरकार में खाद्य संरक्षण जो मंत्री हैं मदन सहनी, उन्होंने मुलाकात की नीतीश कुमार से और मुलाकात में उन्होंने ये बात रखी है कि जो स्थानीय मछुआरे हैं इस फिश बैन के बाद से वो प्रभावित हो रहे हैं, तो स्थानीय मछली जो है उस पर से बैन हटा लिया जाए। अब यहां पर समझने की जरूरत है कि वो कौन सी मछलियां हैं जिस पर से बैन हटाने की बात नीतीश कुमार ने मुख्य सचिव से कही है। मदन सैनी ने मीडिया से आकर के खुद जानकारी दी इस बारे में। उन्होंने जो कहा है उसके मुताबिक स्थानीय मछलियां यानी कि जो लोकल फिशेज हैं, जो गंगा में, नदी में, तालाबों में, जो आसपास के जो जलाशय हैं उसमें जो पाली जाती हैं या फिर उनसे पकड़ी जाती हैं, उनको बैन हटाने के लिए, उन पर से बैन हटाने के लिए बातें कही गई हैं। लेकिन इस बीच एक खबर और भी है कि जो आंध्रा फिशेज को बैन किया गया है बिहार में, जो आंध्रा और पश्चिम बंगाल से जो मछलियां बिहार में सप्लाई की जाती हैं उन पर से बैन नहीं हटाया जाएगा। आपको बता दें कि आंध्रा फिशेस पे फॉर्मलिन एक केमिकल होता है जिसको डेड बॉडीज को संरक्षित रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसका लेप लगाया जाता था इन मछलियों के ऊपर ताकि उनको ज़्यादा दिनों तक प्रिजर्व रह सके। क्योंकि आपको पता ही होगा कि ट्रांसपोर्ट से मछलियों का जो सप्लाई बिहार में होता है आंध्र प्रदेश से और पश्चिम बंगाल से, उन मछलियों को आने में काफ़ी वक्त लगता है, इसलिए उनको संरक्षित रखना, उनको ज़्यादा फ्रेश रखना, किस तरह से रखा जाए इसके लिए फॉर्मलिन का इस्तेमाल किया जाता था। उन्हीं के बाद ये जांच रिपोर्ट में सामने आई, कई शिकायतें भी मिली थी इसको लेकर के। तो जो जांच रिपोर्ट में वो बात सामने आई उससे जो मछलियों खाने के बाद से कैंसर की बीमारी का खतरा बढ़ रहा था, इसको लेकर के स्वास्थ्य विभाग की टीम ने ये जांच कराई थी, जिसके बाद ये आदेश दिया गया कि 15 दिनों तक पटना जिला क्षेत्र में मछलियों की बिक्री पर रोक लगा दी जाए। इसी मामले को लेकर के मदन सैनी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। उस मुलाकात के बाद उन्होंने स्थानीय मछुआरे जो इससे प्रभावित हो रहे थे, जिनका कारोबार है, जिनका रोजगार है कि वो गंगा जैसी नदियों से और जो पटना के आसपास के इलाके हैं वहाँ से मछलियों को पकड़ते हैं या फिर जो पाले जाते हैं वहाँ से मछलियों को ला करके वो बाजार में बेचते हैं, उन पर जो प्रतिबंध लगा हुआ था उनको हटाने की बात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्य सचिव से निर्देश में कही है। अब ये माना जा रहा है कि जल्द ही मछलियों के प्रतिबंध से बैन हटा लिया जाएगा। लेकिन एक बार फिर से हम आपको बता दें, ये वो मछलियां होंगी जो स्थानीय और लोकल मछलियां होंगी, ना कि बाहर से जो सप्लाई की जा रही है आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों से। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ी राहत की खबर है उन मछुआरों के लिए भी जो इस रोजगार में है, जो मछलियां बेचते हैं और अपना रोजी रोटी चलाते हैं, और खास करके उन लोगों के लिए भी बड़ी खबर है जो मटन के दाम से प्रभावित हो रहे थे। क्योंकि जैसे ही मटन के का जिक्र आता था तो मटन के दाम सुनकर के लोग वहां नहीं पहुंचते थे। अब दाम बढ़ने के पीछे कारण भी था क्योंकि एक तरफ जो बर्ड फ्लू न्यू ईयर के टाइम पे मुर्गों ने भी जश्न मनाया था क्योंकि बर्ड फ्लू बिहार में दस्तक दे चुका था, इसके बाद मछलियां बैन कर दी गई। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी परेशानी का सबब भी बन गया था शादी पार्टीज और जिस तरह के जितने भी समारोह हो रहे थे, आयोजन किए जा रहे थे, उस इवेंट्स के लिए भी बहुत बड़ी खबर थी क्योंकि मटन इतना हाई दाम है उसका भाई कि और कोई उसको अफोर्ड नहीं कर सकता है, और जो अफोर्ड कर भी पा रहे थे उनके लिए भी 800 से 900 रुपए किलो मटन खरीदना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। तो कहीं ना कहीं ये मछलियों पर, जो स्थानीय मछलियों पर अब ये बैन हटा लिया जाएगा तो उसके बाद से ये राहत की खबर होगी। आप लाइव सिटीज के साथ बने रहिए, इस खबर पर और क्या अपडेट्स होगा हम आप तक सबसे पहले पहुंचाएंगे। आप हमारे यूट्यूब चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसको सब्सक्राइब करिए और हमारे फेसबुक पेज को भी जरूर लाइक करें ताकि हर छोटी बड़ी खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।